दोस्तों, आज है 30 जुलाई, यानी कि आज से इंडिया के काफी सारे राज्यों में यहाँ पर थिएटर्स जो है खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर टॉलीवुड में 2 फिल्में भी आज रिलीज हो रही हैं। हालांकि उन दोनों फिल्मों को बाकी किसी स्टेट्स में यहाँ पे रिलीज अभी तक ठीक से नहीं करवाया गया है। यहाँ पे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ही ये फिल्में अभी रिलीज हुई है। बाकी सभी जगहों पर पुरानी पुरानी फिल्मों को चलाया जा रहा है। तो आज से शुरुआत हो जाएगी उन सभी फिल्मों की, उन सभी बड़ी बड़ी फिल्मों की जो सब पोस्टपोन हो गई थी, जो अटक के पड़ी हुई थी। उन सभी फिल्मों को लेकर जो अनाउंसमेंट्स है या फिर जो अपडेट है वो हमें मिलना स्टार्ट होने वाले हैं। और इस चीज की शुरुआत कर दी है यहाँ पे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स ने, यानी महेश बाबू और प्रभास ने, जिसमें सबसे पहले बात करें महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म यानी कि सरकारुवारी पाटा के बारे में। तो सरकारुवारी पाटा के मेकर्स ने कल शाम को ही इस चीज को अनाउंस कर दिया था कि सरकारुवारी पाटा की तरफ से हमें फाइनली कुछ नया देखने को मिलने जा रहा है। और कल यानी कि 31 जुलाई को सरकारुवारी पाटा का पहला नोटिस जो है हमें देखने को मिलेगा। अब आप सभी को पता है कि ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के आसपास इर्द गिर्द घूमने वाली है, इसकी जो कहानी है। तो इसलिए पहले नोटिस के तौर पे एक अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली, जहां पे कहा गया है कि कल हमें इसका पहला नोटिस देखने को मिलेगा। अब पहले नोटिस में क्या कोई डायलॉग प्रोमो आता है या फिर छोटा सा टीजर आता है या फिर कोई बहुत ऐसा पोस्टर आता है जहां पर फाइनली महेश बाबू का कंप्लीट लुक देखने को मिलता है, वो अभी तक कहीं पर भी कंफर्म नहीं बताया गया है। जो भी होगा तो कल पता चलेगा। और आप सभी को पता है कि सरकारुवारी पाटा फिल्म जो है साल 2022 में जाकर रिलीज होगी संक्रांति के मौके पर, और इसी मौके पर अब एक और फिल्म भी रिलीज होने जा रही है। जी हां दोस्तों, प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म यानी कि राधे श्याम, इस फिल्म के मेकर्स ने भी फाइनली अनाउंसमेंट कर दी है। जहां पर आप सभी को पता है कि आज से कुछ दिनों पहले, शायद 3 दिन पहले, फिल्म की डायरेक्टर यानी कि राधा कृष्णा ने एक चीज अनाउंस की थी कि उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद हम इस फिल्म की जो अपडेट है वो आपके सामने लाने वाले हैं। तो आज सुबह इस चीज को अनाउंस कर दिया गया है कि प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म यानी कि राधे श्याम जो है 14 जनवरी साल 2022 में रिलीज होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, राधे श्याम भी अब इस साल रिलीज नहीं हो रही है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मुझे लगता भी है कि जितनी सारी फिल्में हैं बहुत ही कम ऐसी फिल्में होगी जो बड़ी बड़ी फिल्में अटक के पड़ी थी जो इस साल रिलीज होगी। ऑलमोस्ट सारी की सारी फिल्में जो है अब साल के एंड में या फिर अगले साल की शुरुआत में जा चुकी है। तो राधे श्याम जो है अब साल 2022 में 14 जनवरी को आ रही है, जब सरकारुवारी पाटा भी रिलीज होगी। इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा कि पवन कल्याण स्टारर फिल्म यानी कि हरे हर वीरमल्लू, ये जो फिल्म है ये भी संक्रांति 2022 में रिलीज होने वाली थी, पर अब इस फिल्म को थोड़ा और पोस्टपोन करवा दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि शायद पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती स्टारर फिल्म जो कि अय्यप्पम कोशम की रीमेक है, वो फिल्म शायद अब संक्रांति 2022 की रिलीज को यहां पर नजरें टिकाई हुई है। तो देखते हैं ये क्लैश 2 फिल्मों के बीच में होता है, 3 फिल्मों के बीच में होता है या फिर 4 फिल्मों के बीच में होता है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। तो ये 2 फिल्में हैं जिनको लेकर अनाउंसमेंट्स हुई है। कल मिलते हैं यहाँ पे सरकारुवारी पाटा के फर्स्ट नोटिस के साथ। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।